हेलो गाइस, वेलकम टू पीपी ब्यूटीज़। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेकअप ब्रशेस के रिव्यू, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं। तो मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू बनाना चाहूँगी इसके बारे में, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑर्डर करने के बाद कुछ गड़बड़ लगा इसमें, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, गाइज, ये हैं सारे मेकअप ब्रशेस। आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे क्यों हैं, ये प्रॉपरली क्यों नहीं रखा गया है, क्यों प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो गाइज, मैं बता दूं कि ये इस लेदर में आया हुआ था। ये एक तरीके का बैग है, और जो कि इसमें ये सारी चीज़ें इस तरीके से अंदर डली हुई थी। देखिए, मैं बता देती हूँ आपको, इस तरीके से अंदर डली हुई थी। बट मैं इसको बाहर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अगर मेकअप करना होता है तो उसके बाद मुझे इसको निकाल कर यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है कि मैं इसमें रख लूँ, क्योंकि मैंने इसे मंगाया ही इसी के लिए है। और ये बहुत इजीली, अगर आप इसमें पूरा डालेंगे तो ये बहुत इजीली ऐसे ये हो जाता है, और इसको आप पैक करके रख सकते हैं। जो कि मुझे ये बैग तो बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। और पहले मैं इसका आपको प्राइस बता दूँ कि ये मुझे पड़ा कितने का है। ये मुझे टोटल प्राइस पड़ा है 399 का, और जो कि मैं अभी देख रही हूँ तो इसका प्राइस 335 हो गया, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आई थिंक थोड़ा महंगा मंगा लिया, उस समय ऑफ़र में नहीं रहा होगा। बट इस समय अगर आप लोग गाइज लेना चाह रहे हो मेकअप के कुछ ब्रशेस, तो ले सकते हो। ये बहुत सस्ता है, इस वक्त तो सस्ता हो ही गया है। तो चलिए, हम कुछ मेकअप ब्रशेस के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, मैं ये बता दूँ कि पहले अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हो तो पढ़ के लेना, क्योंकि मैंने जब इसको ऑर्डर किया था ना, तो मैंने ये कलर ऑर्डर किया था और इन्होंने ब्लैक कलर भेज दिया। मे बी मेरे पढ़ने में दिक्कत रही होगी, क्योंकि इन्होंने, अगर आप अभी भी जाओगे, अगर मैं नीचे लिंक शेयर कर देती हूँ, उसमें मरून कलर का लिख कर आ रहा है, मरून कलर का फ़ोटो दिखाई देगा, बट उसमें नीचे लिखा है कि वो ब्लैक कलर का है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस कलर का देंगे, क्योंकि मैंने मंगाया था ब्राउनिश कलर का था, बट मेरे को ब्लैक रिसीव हुआ। उस समय मेरा ध्यान सिर्फ इमेज पर गया, मेरा ध्यान उस पर नहीं गया कि क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैं देखकर ही मंगाती हूँ, बट उस समय मेकअप ब्रशेस की इतनी ज़रूरत थी कि शायद मैंने जल्दी जल्दी में मंगा लिया। तो आप देखकर ही मंगाएं। और मुझे एक चीज़ इसकी कमी लगती है, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों की, अगर आप लोग पार्लर में नहीं हो, अगर जैसे कि मेकअप डेली यूज़ में नहीं है, और या तो बहुत ज़्यादा मेकअप आप नहीं कर रहे हो, कभी कभी मेकअप करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये मेकअप का जो ये ब्रश है ना मंगाएं। देखो, बोलना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि मैंने खुद मंगाया हुआ है। मंगाया है इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें से किसी ब्रश का कोई यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि मुझे आता नहीं है करने, बट जितना एक लड़की को खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप ब्रश की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है 3 और 4 ब्रश में हो जाता है। इतनी मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको बहुत सारे ब्रश की ज़रूरत है कि आपको पार्लर में यूज़ करना है, तब आप इतने मेकअप ब्रश को ज़रूर मंगाएं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो। बट अगर आप हाउस लेडी हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको डेली में यूज़ मेकअप करना है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे मंगाएं। हाँ, आप अगर सोच रहे हो कि इतने सारे ब्रश आ जाएंगे, अच्छा लगेगा, कि अच्छा तो लगता है बट किसी यूज़ का नहीं होता है, शायद इसे सस्ते में हम 4-5 ब्रश खरीद सकते हैं, वो डेली यूज़ होगा तो अच्छा होगा। तो आइए, मैं इस ब्रश के बारे में कुछ आपको बता दूं कि मैंने ये ब्रश मंगाया। बट देखो, आप खुद ही देख सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि क्यों नहीं यूज़ होती हैं। देखो, आप इसको ध्यान से देखिए, ये ब्रशेस जो हैं, आप सोचो कि कितनी फिनिशिंग देने के लिए ये आईज़ को बनाए गए हैं। आपको लगता है कि अगर हम डेली यूज़ में मेकअप करते हैं, अगर हम वर्किंग वुमेन हैं या प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको कहीं से भी लगता है कि हम इतने छोटे छोटे ब्रश का यूज़ कर पाएंगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे लिए नहीं पॉसिबल है। मैं अपना रिव्यू बना रही हूँ, मे बी आप लोगों को लग सकता है कि मैंने मंगाया तो मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ, बट गाइज, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर प्रोफेशनल नहीं है तो इसे ना मंगाएं, क्योंकि मैंने अपने पैसे वेस्ट किए हैं इसके पीछे। मुझे ऐसा लगता है ब्रशेस सिर्फ रखे रहते हैं, किसी काम में नहीं आते हैं, ना ही आएंगे। इतने छोटे छोटे ब्रश हैं, आप खुद ही देखो कहाँ पर यूज़ होगा, कहीं पर यूज़ नहीं होगा। तो गाइज़, बात करते हैं इन ब्रशेस की क्वालिटी की।
तो कलर में तो नो डाउट ये कलर में बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर में बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्योर ब्लैक है, मैट फिनिश दी गई है। आप देखिए इसको ध्यान से, अगर दिख रहा हो तो कैमरे में, इसकी मैट फिनिशिंग है जो कि आप इसको देख सकते हैं, ब्रशेस की मैट फिनिशिंग है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर आपके वार्डरोब में होगा, अगर आपके ड्रेसिंग टेबल पे होगा। बट इनके जो ब्रशेस की क्वालिटी है, जो ब्रश है, जो ये क्वालिटी है, मैं अगर 10 out of 5 या 4 देना चाहूँगी, मुझे जो क्वालिटी चाहिए थी वो इन ब्रशेस की क्वालिटी में मुझे नहीं मिला। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोल रही हूँ, इसके इस ब्रश की क्वालिटी से हमें कुछ नहीं करना है, जब तक इस ब्रश की क्वालिटी नहीं अच्छी है, इस डंडे की क्वालिटी से हमें कुछ भी नहीं करना है। आप इसको देखिए, ना कोई शेप है ना कुछ है, हाँ लगा सकते हैं आप, ये नहीं कह सकते आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं, बट आढ़ा टेढ़ा कोई भी शेप बनाकर इसको दे दिया गया है। ये देखो कोई भी, और बहुत अच्छा नरम, अगर आप सोच रहे हो कि ये आएगा तो वो भी नहीं है। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, अगर सस्ते में कोई चीज़ तो इसे यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी है गाइस। आपको मे बी, अब मुझे नहीं पता कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मुझे बट ऑनेस्ट कह रही हूँ, मुझे इसका बिल्कुल भी ब्रश नहीं अच्छा लगा। इसका सिर्फ डंडे का कलर अच्छा है बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं किसी भी ब्रश को इजीली यूज़ नहीं कर पाती हूँ, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो पहले बात तो ये ब्रश मंगाएं ना, और मंगाएं तो ऑनेस्ट रिव्यू में लोगों ने लिख रखा है बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत अच्छा ब्रश है, बट अगर मेकअप ब्रश ऐसा होता है तो मैं कहूँगी कि इस ब्रश को आप बिल्कुल ना मंगाएं। मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप मंगाएं, आप देखना है आपको, आप मे बी अपने पैसे इसमें वेस्ट कर सकते हैं। बट ये देखो बिना किसी शेप का है, आप देख रहे हो बिना किसी शेप का है। ऐसे ब्रशेस का क्या करूँगी मैं, वैसे भी रखा ही हुआ है। हाँ ये इस बैग में रिसीव होगा, आप चाहें तो मंगा सकते हैं, 335 का है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बट मेरे लिए हाँ कॉस्टली है बिकॉज़ मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे लिए 100-150 हर पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और मैंने ये मंगाया तो मुझे थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी लगा। तो गाइस ये मेरा रिव्यू है इन ब्रशेस के लिए, मैं एक एक नहीं बता सकती। सबसे ख़राब चीज़ मुझे ये भी लगी है कि अगर कोई ब्रश मंगा रहा है मेकअप का, तो पहली बात तो मैंने जहाँ से मंगाया था उसमें ये लिखा हुआ था कि हर ब्रश में लिखा हुआ होगा कि ये ब्रश किस चीज़ के यूज़ में होता है, बट इसमें लिखा हुआ मुझे नहीं मिला, जो कि मुझे आज भी नहीं पता है कि ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है। कुछ चीज़ें पता है जो डेली यूज़ में होती हैं, ये आप ब्लशर के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्लश लगा सकते हो इससे आप आँखों के नीचे, मैं थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो शायद मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी इसको यूज़ करने। अभी इन ब्रशेस का इतने छोटे छोटे ब्रश हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यूज़ है इसका। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है तो कोई नहीं। तो मैं गाइस इसका ये मेरा रिव्यू है, मेरा मानना है कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो मंगाएं ना, अगर आप मंगा रहे हैं तो प्लीज़ रिव्यू देखें, रिव्यू में तो अच्छा है, बट इसका कोई भी मुझे ब्रश का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरा रिव्यू था गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं भी कुछ आगे करके दिखाऊँ। अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उसका भी रिव्यू बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड माय हस्बैंड साइड, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।